गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। चलिए बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी में कल हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस किसी ने भी कल मेरा वीडियो देखा होगा वो डेफिनेटली आज इस मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करके गया होगा। अगर किसी ने देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अपना टारगेट वन था मेरा 18090 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ 18090.85। तो हम 18090 को एक बार सपोर्ट के तौर पर ले सकते थे, यहाँ पे हम एक सपोर्ट के तौर पर ले सकते इस चीज को। मार्केट नीचे गया, मार्केट नीचे होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, एकदम ऊपर आ गया और उसके बाद क्लोजिंग दे दी हमें इसके ऊपर। जब हमारे पास क्लोजिंग ऊपर आ गई, एक बार 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया, तो डेफिनेटली हमारे पास एक आइडिया आ चुका था कि आज मार्केट क्या करने वाला है। यहां से हम एक कॉल ले लेते हैं और एक 100 पॉइंट्स का मेरा मिनिमम टारगेट रहता है। जब भी कोई मैं कॉल लेता हूँ, जब भी कोई मैं ट्रेड करता हूँ, या तो टारगेट या फिर SL मिनिमम मैंने आपको बोला है। एटलीस्ट आप ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 30 पॉइंट्स का मेरा ज्यादा से ज्यादा SL रहता है, और कम जितना मर्जी आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। जिस किसी ने भी यहाँ पे कॉल ली होगी तो डेफिनेटली SL लगभग 10 पॉइंट का भी नहीं था। जिस किसी ने यहाँ पे ली तो लगभग आपका मेरा जो SL जो था वो लगभग था 20 पॉइंट का होगा ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद आपको एक रैली मिलती है लगभग 100 पॉइंट्स की, राइट। उसके बाद अगर जिस किसी ने भी कामकाज करने का तरीका, मेरा प्रोसेस और जो मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैंने इस चैनल में डाला है, ट्रेड लाइक अ प्रो, क्या याद करना है आपको व्हाइल यू ट्रेड, आपको क्या चीजें याद रखनी है, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, कैसे आपको एक अपने सेटअप पे काम करना है। अगर आप ज्यादा सेटअप आपके पास वर्क, आपको नहीं पता W पैटर्न क्या, आपको नहीं पता M पैटर्न क्या, हेड एंड शोल्डर क्या, राइट, मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पता है ना सर, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी फिफ्टी का काम करने का तरीका भी आपको समझ में आता है, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो इस चैनल में बने रहिए, आपको डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन करोगे आप लोग, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करके डेली यहाँ से जाओगे। तो मेरा कल का व्यू बुलिश ऑलरेडी था, मैंने आपको पहले ही बता रखा था, राइट, और मार्केट यहां से जूम करके ऊपर भी गया, 100 पॉइंट्स लगभग आपको दिए, और उसके बाद यहां पे एक और रैली दी आपको, उसके बाद एक और 100 पॉइंट्स की लगभग रैली दी, 3 ट्रेड और इतने बढ़िया ऑसम ट्रेड दिए हैं आपको। समझने वाला अच्छे तरीके से समझ आता है। अगर आपको थॉट प्रोसेस मेरा समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको करना है काम, तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो रहे होंगे। आशा इसी उम्मीद के साथ मैं आगे वीडियो को बढ़ाता हूं बिना किसी बकवास के। कल हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं निफ्टी फिफ्टी में, वो चीज हम आज यहां पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मार्केट अगर होती है इस ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट आपको ड्रॉ करना है, ये चैनल मैंने ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये निफ्टी फिफ्टी बना रहा है, राइट, ये एक सपोर्ट एक आप अच्छी देख सकते हो। उसके बाद एक रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हो, आपके लिए ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी डिफाइंड है। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट, राइट। गैप अप के केस में, गैप अप हुआ इसके ऊपर, ये करेगा काम सपोर्ट का, राइट, 18,180 करेगा काम सपोर्ट का, और अगर इसके नीचे तो ये करेगा काम रेजिस्टेंस का। इसके नीचे यानी कि यहाँ कहीं मार्केट ओपन होती, सॉरी मैं एक बार ब्रश को ले लेता हूं, तो ये देखिए यहां से अगर आप लेते हो तो ये ट्रेड यहाँ कहीं ओपन होती है तो आप ट्रेड लोगे नीचे की ओर, राइट, और अगर यहाँ कहीं ओपन होती है तो ट्रेड लोगे आप ऊपर की ओर, और अगर कहीं बीच में होती तो सर आपको वेट करना है मार्केट इस यहां तक पहुंचे तो मैं एक पुट ट्राई करूं, और यहां तक आए तो मैं एक कॉल ट्राई करूं। 30 पॉइंट का आपका SL होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, राइट है, या तो आपको टारगेट मिलेगा या आपको SL हिट होगा, दो में से एक बात होगी, लेकिन आपका टारगेट हुआ तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आपका SL हिट होता है तो मिनिमम एक SL जाएगा, कोई आप लॉस में नहीं रहोगे। जब भी आप ट्रेड करोगे तो मैं ऑलरेडी ट्रेड लाइक अ प्रो एक वीडियो जो बना रखा है उसको आप देखिए और उस तरीके से आप ट्रेड कीजिए, उसमें बताई गई एक एक बात याद रखना और आगे ट्रेड करने के लिए
आप फिर उसके बाद जा सकते हैं। मेरा व्यू कल के लिए मैं ग्रिगेट बनूंगा, क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत सारा अप दे चुकी है, अगर एक अच्छा सा गैप अप आता है तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा बेरिश रहूंगा, राइट। और अगर मार्केट यहां जैसे कहीं ओपन होती है गैप डाउन, राइट, इस चैनल के नीचे, तो मेरा पहला टारगेट रहेगा जो है 18,000, ये 18,020, राइट। और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 950, राइट। और अगर मार्केट ओपन होती है यहां कहीं ऊपर तो मेरा पहला टारगेट रहेगा, मैं आपको एक दिन के डे के कैंडल पे लेके जाता हूं, तो मेरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 18,350 सेकंड टारगेट, और फर्स्ट टारगेट मेरा यहां कहीं रहेगा 18,280 के आसपास, राइट। यहां पे मेरा एक टारगेट रहेगा 280। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। बुलिश है, स्ट्रेंथ है मार्केट में, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, नो डाउट। बट एक रिट्रेसमेंट भी मार्केट में आपको पता है कि आता ही है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना होगा। कल कुछ भी हो सकता है, कल के दिन अगर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे आपको ट्रेड करना है कि गैप अप के केस में, फ्लैट के केस में और गैप अप के गैप डाउन के केस में, राइट। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो चीजें आपको मैं बताता हूं कि वाइल्ड ट्रेड आपको एक अपना मूव, आपका ट्रेड लेने का रीजन पहले पता होना चाहिए, और सेटअप, तीन चीजें आपको रेडी रखनी है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि ये एक रिस्की मामला है, फाइनेंशियल मामला है, पैसों का मामला है, तो आपको जब भी ट्रेड लेना है तो एक सोच समझ के एक सेटअप पे ट्रेड करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन तक भी ये चीजें पहुंचाइए। ये मैं हर वीडियो में याद दिलाता हूँ आपको कि ये चैनल मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक ट्रेडर्स और जो लॉस खाए ट्रेडर्स हैं उनके लिए ओपन किया है, ताकि वो आगे लॉस ना कर पाए, और कोई अगर कोई अपना कोर्स बेच रहा है या कुछ कर रहा है तो वो चीजें ना खरीदें, उससे बेटर है आप इस चैनल में बने रहें और यहां से कुछ चीजें समझें और आगे उसको एनालाइज करके अपने हिसाब से उसको यूज करें और उसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।